तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि त्रिभुज की समरूपता क्या होती है और सर्वक्षमता और इन दोनों में क्या अंतर है और किस तरीके से हम समझ सकते हैं कि दो आकृति को समरूप कहेंगे और कब उसे सर्वांगसम कहेंगे। इन सारे विषयों की चर्चा आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि समरूपता कहते किसे, समरूप होता क्या है। तो इसकी परिभाषा है कि वैसी दो ज्यामितीय आकृतियाँ जिनका दिखावा समान होता है, या आप ये कहिए कि वैसी ज्यामितीय वस्तु जिनकी आकृतियाँ समान होती है। जैसे मैं दो चीज यहाँ पे लिखता हूँ, आकार व आकृति। तो आकार को आप ऐसे समझ सकते हैं, छोटा या बड़ा, ठीक है। लेकिन आकृति को अगर बोलें, इसको क्या बोलेंगे, दिखावा। क्या बोलेंगे, दिखावा। किस तरीके का वो दिखता है, उसका शेप एंड जो उसका जो शेप है वो कैसा है, आयताकार है या त्रिभुजाकार है या वृत्ताकार है या बिल्कुल सरल रेखीय है, तो ये आकृति होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और एक यहाँ पे सर्कल बनाया, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो सर्कल आपको दिख रहा है और ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, ये दोनों वृत्त का जो दिखावा है या जिसको मैं आकृति बोलने वाला हूँ, ये दोनों सेम है या अलग अलग? तो मैं बोलूंगा कि आकृति तो सेम है, दोनों का दिखावा एक ही जैसा है, तो आकृति सेम है लेकिन इनका आकार अलग अलग है, ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है। तो आकार का मतलब क्या होता है, छोटा या बड़ा, ऐसे आप समझ सकते हैं इस शब्द को। और आकृति का मतलब दिखावा। तो देखने में दोनों एक ही जैसे हैं, तो हम बोलेंगे कि इनका दिखावा समान है और इनका जो आकार है वो अलग अलग है, ठीक है। तो कहा गया समरूपता के विषय में, सिमिलरिटी के विषय में, कि कोई भी ऐसी दो ज्यामितीय वस्तु अगर आपको दे दिया जाए, दो ट्राइंगल हो, दो सर्कल हो, दो वर्ग हो, दो चतुर्, कोई भी किसी भी तरह का चतुर्भुज हो, क्वाड्रेटर हो, तो क्या आप उसे समरूप कह सकते हैं? तो समरूपता के लिए कहा गया कि उनका दिखावा, उनकी आकृति समान होना चाहिए और उसके कुछ प्रूफ दिए गए, कुछ शर्त दिए गए। और इसकी शुरुआत लगभग 600 ईसा पूर्व हमारे थेल्स साहब ने किया था। तो 600 ईसा पूर्व का मतलब हो गया कि जो ईसा मसीह थे, ईसा का जो जन्म हुआ था, उनके जन्म से 600 साल पहले, ठीक है। तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन उनका जो एक्सपेरिमेंट था, उनका जो प्रयोग था, अभी हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो देखेंगे, उनके एक्सपेरिमेंट ने एक बहुत ही खूबसूरत थ्योरम दिया और उसको हम प्रूफ करते हैं। और जब हम उसको प्रूफ करते हैं तो उसकी सहायता से पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ होती है, और न जाने थेल्स प्रमेय कितने सारे ज्योमेट्रिकल प्रोसेस में काम आता है और कितने जगह पे हम उसका यूज़ करते हैं। इवन यहाँ तक कि फिजिक्स में भी बहुत जगह पे थेल्स प्रमेय का हम लोग यूज़ करते हैं और हमें हेल्प मिलता है। तो मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स में के जो बहुत सारे मैथमेटिकल फॉर्म रहे हैं जिसको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हुई है, तो उसमें भी थेल्स प्रमेय का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोग यहाँ पे समरूपता को समझ रहे हैं। तो समरूपता का अर्थ ये होता है कि वैसी दो ज्यामितीय वस्तु जिनका दिखावा समान होता है, जिनकी आकृति समान होती है, आकार बराबर हो या नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि यहाँ पे एक मैंने एक रेखा बनाया, सरल रेखा, और फिर मैंने एक यहाँ सरल रेखा बनाया, तो मैं पूछूं आपसे कि दोनों समरूप हैं या नहीं, तो आंसर है कि समरूप है, दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो दिखने में एक ही जैसा, आकृति समान है, और जो है सो कि आकार में भले छोटा बड़ा, और वैसे भी दो रेखा जो है सो कि ये दिख छोटे बड़े रहे हैं लेकिन इनकी जो लंबाई है वो बराबर ही होगी, ठीक है। और आप सोचिए, क्योंकि इसको इनफाइनाइट जो है सो कि दोनों डायरेक्शन में इसको और इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को दोनों सिमिलर है, समरूप है। अच्छा, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, ये दोनों क्या है, समरूप है। इसका रेडियस अलग है, इसका रेडियस अलग है, तो आकार अलग अलग है लेकिन इनकी आकृति समान है, जिसके कारण हम इसे क्या कहेंगे, समरूप कहेंगे। अच्छा, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होगा, जिसको हम लोग आमतौर पर औजार बॉक्स भी कहते हैं, तो उसके अंदर जो पेंसिल होता है या जो भी उसके अंदर स्केल होता है, तो उसमें एक सेट स्क्वायर होता है और उसकी जो आकृति होती है वो कुछ ऐसे होता है, इस तरीके का होता है। तो आपने एक चीज देखी होगी उसमें कि जो सेट स्क्वायर होता है उसमें दो ट्रायंगल बना होगा
एक ट्रायंगल उसके बाहर से होगा, एक जो ट्रायंगल होगा कुछ ऐसा, और एक इसके ट्रायंगल अंदर से ऐसा कुछ होगा। आप बताइए कि ये जो ट्रायंगल अंदर वाला दिख रहा है और ये वाला जो ट्रायंगल आपको बाहर से दिख रहा है, ये दोनों समरूप है या नहीं? तो दोनों समरूप है। और इसकी खास बात ये है कि ये वाला कोण इसके बराबर होता है, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये वाला कोण इसके बराबर। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि आप इस कोण को और इस कोण को मापिए, ठीक है, और इस कोण को इस कोण को मापिए और इस कोण को इस कोण को मापिए। थोड़ा सा इसके साथ खेलिए और प्रयास कीजिए कि प्रयास कीजिए बताने का कि क्या ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ और ये वाला इसके साथ बराबर है या नहीं। तो इसका तीनों कोण बाहर वाले त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, और खास बात यही है कि ये दोनों एक ही जैसे दिख रहे हैं और ये समरूप हैं। दो समबाहु त्रिभुज, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया था कि जब जब कोई त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं या तीनों भुजा बराबर होते हैं तो उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दो समबाहु त्रिभुज आप बनाइए, साइज में कुछ भी हो सकता है, आप जो है सोचिए एक छोटा बना लीजिए। जैसे यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, इसके तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, और एक और आप यहाँ पे बना लीजिए बगल में या यहाँ पे जहां भी ऐसे, ठीक है, ये भी एक समबाहु त्रिभुज है और इसके भी तीनों भुजा आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, तो क्या ये दोनों समरूप हैं? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल है। तो आकार में छोटा बड़ा हो सकते हैं लेकिन इनका दिखावा समान है, आकृति समान है, तो हम कहेंगे कि ये समरूप हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि ताजमहल, तो ताजमहल तो है जहाँ पे है वो आगरा में, लेकिन जो है सो कि वो ताजमहल का जो फोटो होता है, तस्वीर होता है, हम उसको कैद करके खींच करके लाते हैं अपने यहाँ और दिखाते हैं सभी लोगों को या देखते हैं, तो क्या होता है वो आकृति और ये आकृति क्या सिमिलर है, तो समरूप है, एक ही जैसा। या आप जब कभी स्टूडियो में गए होंगे अपना फोटो खिंचवाने, तो क्या करते हैं जो है सो कि आप बोलते हैं कि भाई साहब जो है सो कि एक पासपोर्ट साइज फोटो खींच दीजिए, तो क्या करता है वो खींचता है 6 पीस 8 पीस पासपोर्ट साइज दे देता है अलग अलग साइज का, चाहे जो है सो कि आप क्या बोलते हैं जिस साइज शेप में उसको मांगिए, तो वो क्या करता है चारों तरफ से समान रूप से उसको एक्सपेंड करता है, फैलाता है और आपको दे देता है। तो सारी तस्वीरें आप ही की हैं और सारी तस्वीरें जो हैं वो क्या हैं एक ही टाइम की हैं, तो वो बिल्कुल एक दूसरे के क्या होंगी समरूप होंगी, जैसे कि सिमिलर होंगी। हो सकता है कि वो कोई जैसे कि फोटो जैसे कि बड़ा हो अपने बड़ा बनवाया हो, कोई फोटो अपने छोटा बनवाया हो, ठीक है, लेकिन वो क्या है सिमिलर है, समरूप है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर दो ज्यामितीय वस्तु हमको दे दी गई तो उसे हम क्या बोलेंगे, आकृति अगर समान है तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे कि समरूप है। लेकिन नाइन्थ के वर्ग में, नाइन्थ क्लास में हमने ये पढ़ा है सर्वांग समता, क्या पढ़ा है सर्वांग समता, और इसको जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें सब निकल के आएगा सर्व अंग सम, ठीक है, सर्वांग सम में सर्व अंग सम, ठीक है। तो यहां पे जो है सो कि इसका मतलब है सर्व का मतलब सभी, यहाँ पे अंग का मतलब है हाथ नाक मुंह पैर नहीं, ठीक है, यहाँ पे अंग का मतलब है भुजा एवं कोण, और सम का मतलब बराबर। मतलब अगर आपको दो ट्रायंगल दिया जाए या कोई भी दो ज्यामितीय वस्तु या कोई भी दो ज्यामितीय आकृति दी जाए तो एक का दूसरे के साथ पूरा का पूरा बराबर हो जाना, कोण भी भुजा भी सब कुछ अगर बराबर हो जाए तो हम उसे सर्वांगसम कहते हैं, सर्व अंगसम, सभी भुजा एवं कोण बराबर। तो जब सब कुछ बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कि मैंने क्या बोला यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है और यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है, अगर इसका तीनों भुजा इसके तीनों भुजा के बराबर हो, जैसे ये चार 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 समबाहु है तो होगा ये तीनों बराबर, और ये भी समबाहु है तो चार चार चार, और ये कोण तो बराबर हो ही जाएंगे समबाहु है तो इसको हम क्या बोलेंगे सर्वांगसम, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मान लीजिए हमने एक और समबाहु त्रिभुज बनाया जिसके तीनों भुजा आपस में बराबर है लेकिन इसके तीनों भुजा की लंबाई 1 1 1 है, तो हम कहेंगे कि भाई ये वाला जो त्रिभुज है और ये वाला त्रिभुज है ये समरूप है, ये दोनों समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, ये दोनों सर्वांगसम है लेकिन ये दोनों समरूप है,
तीनों समुद्र को आप कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो सर्वांगसम ही है, एक ही है, ठीक है। तो जब तीनों भुजा और तीनों कोण बराबर हो, सब कुछ बराबर हो, कुछ भी अंतर नहीं हो, तो उसको हम सर्वांगसम कहते हैं। और सर्वांगसम का जो चिन्ह होता है वो ऐसा होता है, बराबर लगाने के बाद इस पे ऐसा एक साइन लगाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये सर्वांगसमता का चिन्ह होता है कॉन्ग्रेंट का। और जो सिमिलर का साइन होता है, जो समरूपता का चिन्ह होता है, वो सिर्फ ये होता है, नीचे से बराबर हटा लीजिए, बराबर यही रिप्रेजेंट करता है कि कोण और भुजा हर चीज दो आकृति में बराबर है। लेकिन ये सिंबल सिर्फ ये प्रूफ करता है, ये बताता है कि दोनों की आकृति समान है, दोनों का दिखावा समान है, उसके आकार से कोई लेना देना हमको नहीं है। तो आप ये वाला साइन इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं क्योंकि दोनों संभाव्य त्रिभुज हैं, समरूप हैं, आकृति बड़ा समान है, एक ही तरह के, लेकिन आकार अलग अलग है। तो आकार अलग अलग है तो भुजा अलग अलग होगी, कौन भुजा अलग अलग होगी, जिसके कारण हम ये कहेंगे कि ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक छोटा रेडियस का वृत्त बनाया और एक बड़ा रेडियस का वृत्त बनाया, तो ये दोनों सर्वांगसम है या समरूप है? तो ये दोनों समरूप है, सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि अगर इसको उठा के इस पर रखा जाए तो क्या दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे? आंसर है नहीं। सर्वांगसम की एक खासियत होती है कि कोई भी दो आकृति अगर सर्वांगसम है तो एक के ऊपर दूसरे को रखिए, वो पूरा का पूरा ढक लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हाथ है और इसके ऊपर ऐसे रखा जाए, तो आपसे ऐसे में रख के पूछो और बताओ कितना दिख रहा है, तो आप बोलोगे एक दिख रहा है। ऐसे पूछो कितना दिख रहा है, तो एक दिख रहा है। लेकिन आप कोई भी दो ज्यामितीय आकृति को एक दूसरे में प्लॉट कीजिए अच्छे से और उसको दोनों तरफ से देखिए कि क्या एक ही दिख रहा है। अगर एक ही दिख रहा है तो डेफिनेटली वो सर्वांगसम है, और सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा, क्योंकि सर्वांगसम का साइन ये होता है। तो बराबर होने के साथ साथ तो उसका दिखावा भी समान है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो सर्वांगसम होते हैं वो समरूप निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन जो समरूप होते हैं क्या उन्हें हम सर्वांगसम कह सकते हैं? तो आंसर है नहीं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस लाइन को लिखिए, ये लाइन ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, कि जितनी भी आकृतियां सर्वांगसम होती हैं वो निश्चित रूप से समरूप होती हैं, लेकिन जो समरूप होती हैं यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वांगसम होंगे। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहां पे जो है सो कि ये अंतर है सर्वांगसमता और समरूपता के अंतर। तो ये डिफरेंस होता है, और सर्वांगसम कब कहेंगे और समरूप कब कहेंगे, इस चीज का ख्याल रखिए, इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है। अब देखिए, अब जो है कि ये देखते हैं कि जो थेल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, थेल साहब ने जो प्रयोग किया ट्रायंगल को सिमिलर बताने के लिए, या जो थेल्स प्रमेय का जो बिगनिंग है, जो उनकी शुरुआत है, वो कैसे हुई और किस तरीके के एक्सपेरिमेंट थे, वो ज़रा समझते हैं। तो सबसे पहले उसे समझने के लिए एक आप एंगल बना लीजिए, कोण बना लीजिए। ऐसे मान लीजिए हमारे पास, हमने एक ऐसा कोण बनाया, ठीक है, ये दो सरल रेखा है और इनके बीच में ये कुछ कोण बन रहा है, और इसका हमने नाम दे दिया P, यहाँ पे ये X है और यहाँ पे ये Y, ठीक है। तो ये कोण को आप क्या बोल सकते हैं, X P Y। इस कोण का नाम क्या हो सकता है, X P Y। तो एक ऐसा कोण बनाया उन्होंने, और ये जो PX है इस पर बराबर बराबर डिस्टेंस पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए, ठीक है। अब इस पॉइंट्स का आप कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे A B C D E, ये जितने भी हैं ये बराबर 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 डिस्टेंस पे हैं, जैसे आप एक्स एक्स पे दिखाते हुए 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है। और ये कोण आप चाहें तो कैसा भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अगर ऐसा भी चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। बस ये जो कॉन्सेप्ट है वो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब करना ये है कि ये जो कोण था एक्स पी वाई, इसमें जो पी एक्स था इसको बराबर बराबर पार्ट में जो है सो कि बांट करके क्या किया गया है कि ए बी सी डी ई पॉइंट दिए गए। अच्छा, ये जो पॉइंट ई है, ये जो बिंदु ई है, इससे आप इस पी वाई को, आप इस पी वाई पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट लीजिए, कोई भी एक ऐसा बिंदु लीजिए कहीं भी, ठीक है। आप इधर लीजिएगा तो डायग्राम साफ बनेगा, इधर लीजिएगा तो थोड़ा ऐसे मिलेगा, तो डायग्राम काफी भद्दा हो जाएगा और समझने में मुश्किल होगी, इसलिए मैं इधर एक पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इस पी वाई पर कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए और आप इसे मिला दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फिर से समझिए, एक
एक्स पी वाई एंगल बनाया, ये जो पी एक्स था उस पे बराबर बराबर डिस्टेंस पे कुछ पॉइंट्स दिए ए बी सी डी ई, और यहाँ जो एक नीचे वाला पॉइंट चाहिए भी आप चुन सकते थे किसी भी पॉइंट से, इस लाइन पे कहीं एक पॉइंट लेकर को उससे मिलाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि डी से सी से या बी से या ए से किसी भी पॉइंट को आप चुन लीजिए और एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए, एक ऐसा लाइन आपको खींचना है जो इसके पैरेलल हो। मतलब अगर इस वाई पी वाई का हमने बिंदु लिया जिसका मैं नाम रख देता हूं एफ, तो ये जो ई एफ है इसके समांतर इसके पैरेलल एक लाइन आपको इधर खींचना है जो कहां से, या तो डी से हो या सी से हो या बी से हो या ए से हो। तो चलो हम लोग खींचते हैं सी से एक एफ पैरेलल, ठीक है, इसके समानांतर हम यहाँ पे लाइन खींचे, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको समानांतर खींचेंगे तो ये आकर के फिर से पी वाई को एक पॉइंट पे काटेगा और यहाँ पे आप इसे कुछ नाम दे सकते हैं, चलिए मैंने लिख दिया जी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी सी बटा सी ई कितना होगा, देखिए पी से लेकर सी तक ये जो लंबाई है वो कितना होगा, तो चूंकि यह बराबर 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 काटा गया है तो अगर इसको आप एक इकाई मान लेंगे तो यह एक होगा, यह दो होगा और यह तीन हो जाएगा। यहां से यहां तक पी सी कितना हो जाएगा, तीन इकाई हो जाएगा, तो ऊपर रख दीजिए लंबाई तीन, कोई दिक्कत। अच्छा अब चूंकि यह एक इकाई माने हैं पी है तो सब एक इकाई एक इकाई एक इकाई एक इकाई है, तो सी से लेकर के ई तक कितना होगा, तो एक इकाई और फिर एक इकाई कितना हो जाएगा, दो इकाई, तो नीचे हो जाएगा सी कितना दो, तो 3 बाई कितना आ गया 2, 3 अनुपात 2, मतलब PC और CE का जो रेशियो आया वो 3 अनुपात 2 3 बटा। अच्छा अब आप क्या कीजिए, आप PG का लंबाई निकालिए स्केल से माप करके और GF का लंबाई निकालिए, और आप क्या कीजिए कि PG बटा GF निकालिए, PG बटा GF निकालिए कि ये जो लंबाई है और ये जो लंबाई है इसका अनुपात निकालिए। जब आप निकालेंगे और उसका अनुपात रखेंगे तो आपको हैरानी होगी, और यही सबसे बड़ा चमत्कार हुआ थेल्स प्रमेय के लिए कि पता है कितना आया 3/2, ये भी उतना ही आया, जितना अनुपात इसका था उतना ही अनुपात इसका था। इसका मतलब है, अब इसे गौर कीजिएगा, तो यहां से ये पॉइंट P है, ये E है, ये F है, तो ये आपको एक ट्राइंगल दिखेगा, एक त्रिभुज दिखेगा, और इस त्रिभुज में इसे एक भुजा मानिए, ये इसको दूसरी भुजा और इसको तीसरी भुजा, तो एक भुजा के समानांतर ये कौन सा लाइन है सी जी, या इसको जी सी बोलिए, तो इसके समानांतर जब आप लाइन खींचते हैं तो बाकी जो दो भुजा होते हैं वो समान अनुपात में बढ़ते हैं, मतलब इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है और कोई ऐसा लाइन खींचे जो किसी एक साइड के पैरेलल हो, जैसे ये साइड है और इसके पैरेलल में एक लाइन खींचा, तो जब लाइन खींचिएगा तो ये दो भुजाओं को काटता है ये, तो अगर ये जो लंबाई अगर इसका और इसका अनुपात, जैसे मान लीजिए ये x और ये y है, तो अगर x बटा वाई किया आपने और यह आ गया 2/3, अगर ये x और ये y है और x बटा वाई 2/3 आ गया, तो ये तय है कि इसकी लंबाई बटा इसकी लंबाई करेंगे तो ये भी 2/3 ही आएगा, और यही थेल्स प्रमेय है, यही थेल्स थ्योरम है कि किसी त्रिभुज में जब एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो महज ये जो शुरुआत थी उनका जो ये प्रयोग था, ये शुरू में लगा कि क्या सिर्फ यहीं पे हो रहा है या मजाकिए तौर पे या सिर्फ खेल टाइप का कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो उन्होंने देखा नहीं ये बार बार हो रहा है और हर जगह हो रहा है, तो फिर निकल के आया थेल्स प्रमेय। और थेल्स प्रमेय जो है त्रिभुज की समरूपता को व्याख्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय को व्याख्या करता है, और जो है सो कि इसके बेसिस पे थेल्स प्रमेय के बेसिस पे या पाइथागोरस प्रमेय के बेसिस पे न जाने हम कितने ज्योमेट्री के लॉ को थ्योरम को प्रूफ करते हैं, और वहाँ इसका हम यूज़ भी करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स में। तो ये 600 ईसा पूर्व जन्मे, ईसा के जन्म से 600 साल पहले जन्मे थेल साहब का बहुत बड़ा चमत्कार था हमारे लिए, बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे मैथमेटिक्स में, जिसका हम हमेशा आभारी रहेंगे और हमें रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ नहीं होता तो बहुत सारी ज्योमेट्री धरा का धरा रह जाता, बहुत सारा कैलकुलेशन हमारा धरा का धरा रह जाता, हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते।
ठीक है। तो बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन है मैथ में साइंस में, लेकिन इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है इस थ्योरम को लेकर के, जिसके बेसिस पे न जाने हम कितने सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड था थेल्स थ्योरम। तो सो थैंक यू सो मच। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि थेल्स थ्योरम एक्चुअल में क्या है और किस तरीके से हम उसे प्रूफ करेंगे। ये उसका बैकग्राउंड था, थेल्स प्रमेय को लिखना, उसको कैसे प्रूफ करते हैं, और या कोई भी थ्योरम दिया जाए तो किस तरीके से प्रूफ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें फिर से हम लोग थेल्स प्रमेय के साथ अगले वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।